वेलकम दोस्तों, आज देखते हैं फाइबर शॉट का नया यूनिट जिसको कहते हैं माइक्रो ओटीडीआर, और आज हम इसको चेक करते हैं और इसको कैसे यूज़ करना है और क्या क्या फीचर है देखते हैं। इस तरह के एक बड़े आसान से बॉक्स में आता है जिसको कि एक फील्ड वाला आदमी आराम से कैरी कर सकता है। इसके साथ में इसको बांधने की स्ट्रिप दी हुई है। इस ओटीडीआर के अंदर ये सेट है, इसमें एक OTDR है, OTDR के साथ में इसका चार्जर है, USB केबल है, एक कन्वर्टर है जो कि RJ45 से आपको कोएक्सियल में कन्वर्ट कर करना हो, चाहे इलेक्ट्रिकल केबल में कन्वर्ट करना हो, वो कैसे भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें है एक स्कैनिंग डिवाइस जो केबल स्कैन करने के काम में आता है। हम इसको यूज़ कैसे करते हैं ये आपको बताते हैं। आप देख रहे होंगे ये OTDR है, इसमें अलग अलग पोर्ट हैं। ये पोर्ट है OTDR, ये पोर्ट है VFL विजुअल फॉल्ट लोकेटर के लिए, फिर इसमें पोर्ट है OPM पावर मीटर के लिए, फिर इसमें एक और पोर्ट है जिसमें कि आप OLT वेन्यू चेक कर सकते हैं, और पॉन पावर मीटर भी इसके अंदर बिल्ट इन है। ये तो है इसके अंदर फाइबर के पोर्ट। फाइबर के अलावा पहली बार कोई OTDR है जिसमें कि कॉपर के भी पोर्ट आते हैं। कॉपर के लिए अगर आप देखेंगे इसमें लैन पोर्ट है, इसके अंदर LTDR पोर्ट है। LTDR एक्चुअली एक कॉपर का OTDR है जिसमें कि आप कॉपर की केबल के फॉल्ट ढूंढ सकते हैं। फिर एक लाइन के लिए पोर्ट है जिसमें कि आप लाइन सर्च और लाइन डिटेक्ट कर सकते हैं। अब इसको ऑन करके देखते हैं कैसे काम करता है। इसमें हम देखेंगे कई सारे ऑप्शन हैं जिसमें कि आप देखेंगे कि OPM पावर मीटर, VFL, OTDR, LTDR, नेटवर्क टेस्ट, लाइन सर्च, ये हमारे पास ऑप्शन है। अब एक एक करके हम चलते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं OPM ऑप्टिकल पावर मीटर पे क्लिक किया तो इसमें दो तरह की ऑप्शन आ रही हैं, एक तो पावर मीटर और एक पॉन मीटर। तो पावर मीटर के अलावा इसमें पॉन पावर मीटर भी बिल्ट इन है। लेट अस टेस्ट द पॉन OPM फर्स्ट। OPM चेक किया, अभी इसमें क्योंकि कनेक्शन नहीं है तो कुछ नहीं दिखा रहा। अब इसके अंदर हम एक लेज़र सोर्स से इसकी इसको हम दूसरे पोर्ट पे कनेक्ट करते हैं जिसमें कि हम पावर देख सकते हैं। अब ये कितनी पावर आ रही है ये इसमें दिखा रहा है। इसके अंदर हम अलग अलग वेवलेंथ चूज़ कर सकते हैं, जैसे ये लेज़र सोर्स 1310 पे ट्रांसमिट कर रहा है, हम इसमें चूज़ कर सकते हैं कि 1310 की जगह दूसरे वेवलेंथ को भी हम चूज़ करना चाहें तो चूज़ कर सकते हैं। तो अब इसमें 1310 है तो हम इसको 1310 पे सेट करते हैं। तो 1310 पे ये जितनी पावर ट्रांसमिट कर रहा है ये लेज़र सोर्स, ये इधर यहाँ पर हमें पावर उतार रहा है। अगर हम इसी जगह चाहें, हमारे पास अगर पॉन टेस्ट करना चाहें तो ये पॉन पावर भी टेस्ट कर सकता है, पर क्योंकि हम अभी पॉन यूज़ नहीं कर रहे तो ये इसमें दिखा नहीं रहा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट पे। नेक्स्ट टेस्ट है इसमें बैक जाने के लिए, इसका बैक का बटन लॉन्ग प्रेस करेंगे, मेन मेन्यू पे आ जाते हैं। मेन मेन्यू पे आने के बाद इसमें VFL विजुअल फॉल्ट लोकेटर, जिसमें कि आप अपनी केबल का फॉल्ट ढूंढ सकते हैं, कहाँ से बेंड है, कहाँ से ब्रेक है, इसका भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे यूज़ होता है। तो VFL पोर्ट पे लगाया, दूसरे पोर्ट पे लाइट जल रही है। अब जहाँ पर भी आपकी केबल बेंड होगी या ब्रेक होगा तो वो वहाँ पर लाइट जो है वो ग्लो कर जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ अंधेरा करके। देखिए, जहाँ पर भी इस केबल में लॉस है आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे ही उस केबल में लॉस आएगा वहाँ पर वो केबल में लाइट जल जाएगी। देख रहे हैं आप? तो ये बड़ा अच्छा तरीका है आपकी केबल के हाई लॉस पॉइंट देखने का, कि कहाँ पर आपकी केबल में हाई लॉस है, पैच कॉर्ड ख़राब है, कनेक्टर ख़राब है, सारी चीज़ें आप इस पर देख सकते हैं। इसके बाद इसमें एक OTDR पोर्ट है, हम OTDR पे क्लिक करते हैं। बड़ा सिंपल OTDR है, इसमें मेन्यू में जाइए, मेन्यू में जाके पल्स से आप सेट कर सकते हैं कितना डिस्टेंस आपकी फाइबर है, उस पर डिपेंड करता है कितनी पल्स रखनी है। विड्थ से कितना डिस्टेंस है, अगर आप देखेंगे 200 मीटर, 600 मीटर, 1.2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, तो मैक्सिमम हम इसको 50 किलोमीटर के लिए रिकमेंड करते हैं, 50 किलोमीटर का कट देखने के लिए। अगर हम फॉल्ट की बात करें तो रिकमेंडेड फॉल्ट के लिए 20 किलोमीटर,
नॉर्मली केबल टीवी में एफटीटीएक्स में इतनी लंबी कोई लाइन नहीं होती, फिलहाल हम इसमें एक किलोमीटर का स्पूल कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम इसको 5 किलोमीटर पे रखते हैं, ओटीडीआर के पोर्ट पे कनेक्ट करते हैं। ओटीडीआर के पोर्ट पे कनेक्ट करने के बाद हमने सिर्फ ओके करना है। हमने 5 किलोमीटर सेलेक्ट कर लिया, पल्स विथ 100 सेलेक्ट कर ली। अब ये नीचे अगर आप देखेंगे तो ये ओटीडीआर फायर कर रहा है, जैसे ही 100 होगा तो इसका रिजल्ट बता देगा। ये 100 हो गया। अब हम इसका, क्योंकि ये हमारा स्पूल है, हम इसके स्पूल की हेल्थ देख लेते हैं। एक 1031 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर का ये स्पूल है, तो 1 किलोमीटर के बाद ये फाइबर ब्रेक दिखा रहा है। अगर इसमें कहीं बीच में लॉसेज होंगे तो लॉसेस हमें दिखाएगा, क्योंकि स्पूल में हमने एक लॉस क्रिएट किया हुआ है। चवालीस मीटर पे करीब, तो 44 मीटर पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको एक लॉस पॉइंट दिखा रहा है, ये देखिए कोने में। अब इसमें लॉस देखने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है, ये जितने इसमें स्क्वायर बने हैं खाने, अगर आप देख रहे होंगे, ये 1 dB है, तो यानी कि यहाँ पर जो लॉस पॉइंट है ये करीब, अगर आप यहाँ से देखेंगे शुरू हो रहा है OTDR, तो 1.5, तो ये 1.5 dB लॉस हो रहा है। इसके अंदर हमने स्पूल के अंदर एक लॉस पॉइंट क्रिएट किया हुआ है आप लोगों को दिखाने के लिए। अब हम इसके वापस इसमें जाते हैं और हम इसको दोबारा से आपको एक बार करके दिखाते हैं। ये इसमें टाइम की सेटिंग है, कितना टाइम आपने OTDR ट्रेस करना है। रिपोर्ट में जाते हैं तो ये आपको दिखा रहा है 1036 मीटर टोटल लेंथ। अब हम आपको इसका LTDR का फीचर दिखाते हैं। LTDR के अंदर हमने कॉपर टेस्ट करनी है। OLT ONU टेस्ट करने के लिए इसमें अलग पोर्ट दिया हुआ है, जिसमें के जिसके थ्रू आप OLT ONU आराम से चेक कर सकते हैं। LTDR में जाते हैं तो हम एक कॉपर केबल लेते हैं। इस कॉपर केबल को लेके हमने LTDR के पोर्ट पे कनेक्ट कर दिया। LTDR के पोर्ट पे कनेक्ट करने के बाद हम इसको LTDR पोर्ट पे लेके गए, ओके किया। सेम तरीका इसमें है, पल्स विथ सेलेक्ट करी लेंथ, केबल की लेंथ के हिसाब से। अभी हमारे को पता है कि छोटी केबल है, 10 मीटर ही है, तो हम इसमें 200 मीटर लेंथ पे चेक कर लेते हैं। कुछ नहीं करना, सिर्फ ओके का बटन दबाना है। जैसे ही चेक करेगा, ओके का बटन दबाने के बाद ये आपको केबल का ब्रेक पॉइंट बता देगा। 10.03 मीटर ब्रेक पॉइंट बता रहा है, ये केबल की लेंथ है। और यही चीज़ अगर ये केबल ब्रेक की जगह शॉर्ट होती है बाई चांस, तो 10 मीटर पर ही, तो ये कर्व उल्टा हो जाएगा। तो मतलब जहाँ पर शॉर्ट होगी तो कवर कर्व रिवर्स साइड में आएगा रेड कलर में, जहाँ केबल ब्रेक होगी वहाँ ऊपर की तरफ आएगा ब्लू कलर में। तो बहुत आसान तरीका है, आपकी कॉपर की कोई भी केबल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल केबल हो, चाहे आपकी CAT6 केबल हो, चाहे RG6 केबल हो, चाहे कोएक्सियल केबल हो, कोई भी केबल हो, फ़ोन की तार हो, किसी भी तार को आप फॉल्ट और शॉर्ट ढूंढ सकते हैं बड़े आराम से। इसमें नेटवर्क टेस्ट के कुछ फीचर हैं, वो आपको दिखाते हैं। नेटवर्क टेस्ट के लिए आपको लैन की इसमें लगानी पड़ेगी तार पोर्ट में। लैन के टेस्ट के थ्रू आप अपने फील्ड टीम के लिए लैपटॉप की भी रिक्वायरमेंट को हटा सकते हैं, क्योंकि जो एक लैपटॉप में टेस्ट होते हैं वो सारे टेस्ट इसमें दिए हुए हैं। सिंपल सा टेस्ट है, किसी कस्टमर के यहाँ कोई भी आपका सर्विस इंजीनियर जाता है, वहाँ सबसे पहले स्पीड टेस्ट करता है, कस्टमर की कंप्लेंट आती है कि स्पीड नहीं आ रही, ऑटो टेस्ट पे क्लिक करेगा, स्पीडोमीटर आ जाएगा, जो स्पीड आ रही होगी नेट की वो यहाँ पर दिखा देगा। क्योंकि अभी हम कनेक्टेड नहीं है नेट से, हमारा दूसरा एंड फ्री है, इसलिए आपको स्पीड नहीं दिखा रहा। फिर इसके अंदर डाउनलोड टेस्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। डिफरेंट सर्वर चूज़ कर सकते हैं, अपलोड टेस्ट भी कर सकते हैं, दोनों टेस्ट यहाँ से अपलोड डाउनलोड दोनों टेस्ट यहाँ से हो सकते हैं। किस पे अपलोड करना है वो यहाँ पर दिया हुआ है, आप सेलेक्ट करें और उसको चेक करें। देन PPOE, इसमें आप PPOE के टेस्ट सारे कर सकते हैं, यूजर नेम पासवर्ड डाल के आप इसमें आगे जा सकते हैं। उसके बाद पिंग टेस्ट, आपने अपने गेटवे को, अपने सर्वर को या किसी वेबसाइट को पिंग करना है, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ टाइप कर सकते हैं। जब आप पिंग सेट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपको
पिंग दिखाएगा क्योंकि वी आर नॉट कनेक्टेड टू अ नेटवर्क अभी, तो आपको पिंग नहीं दिखा रहा है। पिंग काउंट सेलेक्ट कर सकते हैं, कितनी पिंग काउंट रखनी है वो सारा कुछ यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद लैंड टेस्ट, लैंड टेस्ट के अंदर आपका एक इस स्विच के अंदर, पर्टिकुलर स्विच के अंदर जितने डिवाइसेस लगे हैं, एक तरीके से लैंड स्कैन कहते हैं, जिस स्विच से ये कनेक्टेड होगा उसमें जितने डिवाइसेस लगे हैं उनकी डिटेल दे देगा। उसमें आपको उसका सारे आपके नेटवर्क का मैप पता लग जाएगा। फिर DHCP अगर है तो सेम चीज़ DHCP के थ्रू होगा। अगर आप देखेंगे DHCP टेस्ट किया तो डिवाइसेस ज़ीरो दिखा रहा है क्योंकि कनेक्टेड नहीं है, नहीं तो इधर डिवाइसेस के नंबर्स दिखा देगा कितने डिवाइसेस हैं इस नेटवर्क पे DHCP पे। कॉन्फ़िगरेशन का बटन है, कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्योंकि इसके लैन कार्ड को अपने नेटवर्क पे लाना पड़ेगा तो आपको यहाँ जाके इस लैन कार्ड को सेटअप करना पड़ेगा। नेट स्टेट्स, ये आपका अभी इसकी सेटिंग्स क्या है वो दिखाएगा, मॉडिफाई करके आप इसकी मॉडिफाई कर सकते हैं सेटिंग्स। बैक जाते हैं फिर से। नेक्स्ट चीज़ लाइन टेस्ट, लाइन टेस्ट बड़ा सिंपल सा है। आपका किसी भी कनेक्टर लगाते हैं, कनेक्टर में जैसे कभी कोई पॉइंट ब्रेक रह जाता है, सपोज आपने क्रिम्प किया, क्रिम्प में कोई पॉइंट ठीक से क्रिम्प नहीं हुआ, वो आप आराम से चेक कर सकते हैं। आपको सारे पॉइंट चेक कर रहा है, जिस पॉइंट पे इसको स्विच के थ्रू लिंक नहीं मिलेगा ये आपको बता देगा कि इस केबल की ब्रेक। अब जैसे सारे ब्रेक है क्योंकि हम स्विच पे कनेक्टेड नहीं है, अब नहीं तो ये सारा टिक मार्क लगा हुआ आएगा कि ये सारे कनेक्टेड है, जिस पे ब्रेक होगा वो क्रॉस में आ जाएगा। ये लाइन सीक्वेंस के थ्रू चेक कर सकते हैं, ये लूप रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं थ्रू दिस लूप रेजिस्टेंस ऑप्शन। बहुत आसान सा फीचर है एक लाइन सर्च। आपके कंट्रोल रूम में लाइन लगी होती है, ढूंढते रहते हैं, मिलती नहीं है, कौन सी मशीन से कौन सी तार आ रही है, कौन से स्विच से कौन सी जा रही है, सारी तारें निकालने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा सिंपल सा काम करना है। इसके साथ ही एक डिवाइस दिया हुआ है, इस डिवाइस के थ्रू जहाँ पर भी आपकी लाइन होगी ये आपकी लाइन बता देगा कि कहाँ पर आपकी लाइन जा रही है। तो जैसे ही आपके केबल का दूसरे एंड की तरफ पहुँचेंगे तो ये आपको एक साउंड की बीप की आवाज़ से वो बता देगा। ओह सॉरी, मैं यहाँ से पोर्ट तो चेंज करना भूल गया, तभी कह रहा हूँ कि आ क्यों नहीं रही आवाज़। इसको लाइन पोर्ट पे लगाया और अब हम इसको लाइन स्कैन कर रहे हैं तो ये आपकी लाइन बता रहा है कि ये आपकी लाइन है। आपको इसके लिए लाइन अपने कंप्यूटर से किसी और के स्विच से निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको बता देता है। और इवन आपकी तार अगर अंडरग्राउंड है तो वो भी बता देगा। तो इस तरीके का डिवाइस है ये, इसमें सारे फीचर हैं जो कि एक केबल टीवी ऑपरेटर, एक DTH, एक इंटरनेट ब्रॉडबैंड ऑपरेटर, एक FTTS ऑपरेटर को चाहिए। सारे फीचर्स में बिल्ट इन है, यूज़ करिए, वेरी गुड OTDR। यूनिक प्रोडक्ट है जो कि पहले कभी मार्केट में नहीं देखा गया, एंड ट्राई किया है, वेरी गुड रिजल्ट्स। आप लोगों को ये सर्विस स्टाफ के बहुत काम आएगा, लैपटॉप की भी ज़रूरत नहीं, ना किसी पावर मीटर की ज़रूरत नहीं, ना VFL की ज़रूरत नहीं, ऑल इन वन डिवाइस, एक छोटा डिवाइस लीजिए और कस्टमर के यहाँ भेज दीजिए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। फाइबर भी चेक कर लेगा, कॉपर भी चेक कर लेगा और नेटवर्क स्पीड वगैरह सारे फीचर इसमें चेक कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, ये OTDR पॉन है। पॉन को OTDR का मतलब होता है कि पावर ऑन मोड पे काम करता है। इसके लिए आपको पीछे से फाइबर की पावर ऑफ करने की जरूरत नहीं, आपका नोड या आपका एम्पलीफायर बंद करने की जरूरत नहीं है, आप ऑन मोड में चेक कर सकते हैं। वेरी सिंपल, वेरी इजी टू यूज़ एंड वेरी हैंडी डिवाइस। थैंक यू।